नमस्कार साथियों, मैं कपिल वर्मा कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने जो डिस्कस किया था एडिटोरियल, वो एडिटोरियल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जो आधा जो बचा हुआ एडिटोरियल है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोशिश ये रहेगी कि उसको आज ही फिनिश कर दिया जाए, ठीक है ना। तो क्लास वही रहेगी, देखते हैं हम आगे। देखिए, ये तो जैसे कल देख ही लिया आपने एडिटोरियल फ्रॉम राजपद टू कर्तव्य पद, ठीक है ना। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय से लेट हो गया, ठीक है ना। 6 से 6:10 के करीब शायद हो चुका है। चलिए जी, ये तो आपने देख लिया, इधर ये भी आपने देख लिया कि किस पर्पस से ये बेनिफिशियल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। फिर भी देख लीजिए, IBPS, SSC, MPSI, MP पटवारी, राज्य सहकारी बैंक विशेष। चलिए जी, आगे देखते हैं। उसके बाद ये एक जो बोल सकते हैं मोटिवेशनल चीजों के तौर पे या मोटिवेशन के तौर पे, तो उसमें लिखा हुआ है, जिंदगी फुटबॉल की तरह होती है, जब तक गोल नहीं मिलता सब लात मारते हैं। तो भाई ऑब्वियसली ये कोई ऐसा नहीं है कि रटने वाली बात है। तो जब तक आपको गोल नहीं मिलेगा या अचीवमेंट नहीं मिलेगा, तो भाई सब तरफ से लात मिलेगी। इसलिए ठीक है ना, गोल हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हार्डवर्क करते रहे भाई, ठीक है ना, कनेक्टेड रहे, अच्छा पढ़ाई करें, ठीक है ना, गिव अप ना करें चीज़ों को, कैपिचुलेट ना करें, ठीक है ना, लगे रहें, ठीक है ना, हैंग ऑन करें उन चीज़ों को जो आप कर रहे हैं, और कभी भी क्विट ना करें बीच में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी, आपको गोल मिलेगा भाई। मेसी को भी तो मिला, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये मेसी साहब, ठीक है ना, जिन्होंने अभी ठीक है ना, विनिंग कैप्टन ऑफ अर्जेंटाइना, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। एज यू नो, अर्जेंटाइना have pulled off a great victory against mammoth France, you know, on the other hand Mbappe, ठीक है ना। तो इधर देखिए भाई, यहाँ पे देखिए जो पैसेज बचा हुआ है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये तो थोड़ा सा कल इधर था, आज इधर हो चुका है। चलिए जी, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज इधर से देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है वी। अब देखिए, वी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा आपने, आई वी यू दे ही सी इट, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये होता है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं साथियों, एस ई एस या आई एस लगाकर। और प्लूरल वर्ब कैसा होता है, जैसा है वैसा का वैसा। जैसे मैंने बोला गो, तो गो ही रहेगा, लर्न तो लर्न ही रहेगा, ठीक है ना, प्ले तो प्ले ही रहेगा। और सिंगुलर वर्ब क्या होगा, जैसे गो का हो जाएगा गोस, प्ले का हो जाएगा प्लेस, मूव का हो जाएगा मूव्स। तो साथ रख, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वी है तो वी किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल में आता है। किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, प्लूरल कैटेगरी में आता है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, जुड़ चुके हैं भाई संगीता बड़ोदिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, गुड इवनिंग सर, ठीक है ना, राहुल मालवीय, ज्योति वर्मा, ज्योति पूर्विया, धन्यवाद भाई, शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े भाई। तो वी लिखा हुआ है, वी ग्रीव, कौन सा टेंस बनाइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए भाई, वी ग्रीव यहां पर लिखा हुआ है, वी ग्रीव, तो देखिए ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। ग्रीव का मतलब, कल मामला ऐसा है कि कल जो पीपीटी था आपका इधर था, ठीक है ना, आज इधर है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करेंगे, उससे कोप विद करेंगे। तो ग्रीव को इधर देखिए, ग्रीव का मतलब हो जाएगा आपका मोर्न करना। क्या हो जाएगा साथियों, मोर्न करना। देखिए इस पैसेज का मतलब ऐसा नहीं है, जो आपने 10वीं 12वीं में जो पढ़ा ना, उस टाइप से नहीं पढ़ना है इसको। इसके पीछे आप कितनी चीजें लूट सकते हैं, कितनी चीजें आप लूट कर सकते हैं, डूब कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप, ठीक है ना, आखिरी तक यदि आप इससे ग्लूड रहे इस क्लास से, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव या कंड्यूसिव चीजें सीखने को मिलेगी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कंटिन्यूएंसी, ठीक है ना। तो आप देखिए, ऑनलाइन मोड इज यू नो काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि भाई जहां से आपने स्टार्ट किया है और वहां उसी टॉपिक पर यदि आप फिनिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर यू। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन होता क्या है, जैसे कि ऑब्वियसली लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे स्टार्ट किया जैसे एडिटोरियल से, बीच में मान लीजिए जैसे कंगना रनौत का फोटो आ गया, ठीक है ना, तो उसे देखने लग गए आप, उसके बारे में जानने लगे चीजों को, तो वो नहीं करना है। यदि आपने, मैटर ये नहीं करता
कि आपने कहां से स्टार्ट किया, मैटर ये करता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया क्या उसी टॉपिक पे आपने फिनिश किया है। यदि आप जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं और उसी पे आप फिनिश कर रहे हैं तो ये क्या है आपके लिए विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। आ रही बात समझ में? इट विल बी आइसिंग ऑन द केक इफ यू डू दिस पॉलिसी। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? या आप दूसरे सब्जेक्ट पे, दूसरे टॉपिक पे आप रिसोर्ट कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से मेरे ख्याल से टाइम किलिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, आप इसका यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, विन विन सिचुएशन है। और यदि आप इस टॉपिक से हट गए एक टॉपिक से तो ये टाइम किलिंग है। आ रही बात समझ में? और इसमें मालूम नहीं पड़ता कि टाइम कब निकल जाता है। तो मैटर ये नहीं करता आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्या वहीं पर उसको फिनिश कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये विन विन सिचुएशन होगा। तो देखिए भाई, वी ग्रीव लिखा, ग्रीव का मतलब हो जाएगा मोर्न, क्या हो जाएगा मोर्न, या फिर हो जाएगा फील सोरो, क्या हो जाएगा फील सोरो, बोले तो दुख व्यक्त करना या शोक व्यक्त करना या दुख जताना। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएगा साथियों, शोक व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, उसे बोलते हैं क्या, ग्रीव। वी ग्रीव मोस्ट, हमें सबसे ज्यादा दुख होता है या हम सबसे ज्यादा शोक मनाते हैं, सबसे ज्यादा शोक व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। वेन लिखा हुआ है, वेन का मतलब होता है जब, वेन का मतलब क्या होता है जब, वेन बी लॉस। ये देखिए इसमें बहुत बार क्या होता है भाई, बहुत कंफ्यूजन होता है इसको, आप थोड़ा सा यू कैन नॉट बिलिटिल लॉस। तो इधर देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी गड़बड़ करके आते हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। ये देखिए जैसे मैंने लिखा ये लॉस, ठीक है ना, लॉस वर्ब होगा तो उसकी तीन फॉर्म होगी, लॉस, लॉस्ट और लॉस्ट। और साथियों इधर देखिए फिर होगा आपका एल ओ डबल एस लॉस, ये वो लॉस होता है, ये होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, क्या होता है। देखिए अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उस वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच का आना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? जैसे हैप्पी एडजेक्टिव हो गया, आ रही बात प्ले वर्ब हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आपका वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें। तो यदि आपको, आपने यदि किसी चीज का, किसी वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया तो समझ लीजिए आपके लिए काम आसान हो गया, आपने आधी इंग्लिश सीख ली। आ रही बात समझ में? ज्यादातर लोग कंफ्यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे नहीं आएगी पढ़ पढ़ के। आ रही बात, आपको पैसेज में जैसे ही उसका, वो खुद बोलेगा कि भाई मैं एडजेक्टिव हूँ, देखो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आ रही बात, लेकिन आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वो सारी चीज जो वर्ड है वो खुद बताएगा, बट डिपेंड ये करता है कि क्या आप उसको बेहद पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इधर देखिए लॉस होता है नाउन, लॉस का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस सेटअप किया, यू हैव सेटअप अ बिजनेस। आ रही बात समझ में? एंड आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है ना, योर बिजनेस, ठीक है ना, टर्न्स आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब हो जाएगा जैसे आपने कोई चीज सेटअप किया, ये चीजें जैसे मैं बीच बीच में बोलता हूँ तो लोगों को ये लगता है ये हर कुछ आड़ा टेढ़ा घुसा देता है, नहीं भाई। ये जैसे आप एसएससी एग्जाम, एग्जामिनेशन होगी उसमें ये चीज आपको फ्रेज, इडियम्स, ये चीज मिल जाएंगी। तो अ वाइट एलिफेंट का मतलब ये, जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने कोविड में कोई बिजनेस सेटअप किया, हो सकता है एक महीने पहले सेटअप किया, बिजनेस कोई सा भी हो सकता है, कोचिंग हो या दूसरी चीज हो, ठीक है ना, वो सारी चीज, देखिए जो चीज है वो है। तो वहां पर जैसे मान लीजिए कोविड लग गया, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा भाई, वो पूरी तरह से लॉस में जाएगा ना, तो वो उसके लिए वो बिजनेस क्या हो जाएगा, व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इफ यू हैव सेट अप एनी बिजनेस एंड योर बिजनेस यू नो टर्न्स आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट एंड यू आर हैविंग यू नो अ लॉस इन दिस बिजनेस, तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए भाई, तो लॉस क्या हो गया, घाटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घाटा, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखिए एक जो होता है, जैसे आपने सुना होगा लूज, ठीक है ना, लूज होता है एडजेक्टिव। साथियों लूज क्या होता है एडजेक्टिव, जैसे बोलते हैं ना भाई कि बड़े ढीले किस्म के आदमी हो यार तुम, 10 मिनट से बोल रहे हैं घर से ही नहीं निकल रहे हो, तो वो लूज होता है ढीला, क्या होता है भाई, ढीला, बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं बिल्कुल एक नम्मी पम्मी टाइप का आदमी, एक बोरिंग, लेजी, लेकलस्टर हो जाएगा, डल हो जाएगा, मंडेन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? लेथार्जिक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इतनी सारी चीजें यदि आप सुन सकते हैं तो सीखिए भाई, ठीक है ना, जिसको सीखना होगा वो सीखेगा, आप नहीं सीख रहे तो भाई आप अपॉर्चुनिटी गवा रहे हैं। आई थिंक दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश एंड यू शुड नॉट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक यू शुड केस इन ऑन दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? आप वर्ड्स को सुनिए, आप वर्ड्स को कैच कीजिए, आप वर्ड्स को रिकॉल कीजिए, ठीक है ना, जहां तक हो सकेगा मैं वर्ड्स को लिखूंगा अभी। तो इधर देखिए भाई लूज क्या हो गया, एडजेक्टिव। देखिए एल ओ एस ई लॉस वर्ब,
लॉस लॉस्ट लॉस्ट एलओ डबल एस लॉस होता है नाउन साथियों, एल डबल ओ एस ई लूज होता है एडजेक्टिव। तो यहां पे वी के बाद लॉस क्या बना, वर्ब, क्या बना, वर्ब। तो कब दुख होता है सबसे ज्यादा, जब हम क्या करते हैं, लॉस करते हैं, गवाते हैं। आ रही बात समझ में, वी लॉस आर खोते हैं, वी लॉस आर मदर, हमारी मदर को। क्या बोल रहा कि हमें सबसे ज्यादा वक्त उस वक्त होता है जब हम हमारी मदर को खोते हैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, मदर फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा एंड द फाइनेस्ट। अब ये देखिए, ये कौन नहीं जानता भाई, इफ यू आर लिविंग इन सीहोर एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ डिग्री, डिग्री तो सबने पढ़ा है भाई, डिग्री नहीं पढ़ा तो देखिए सब चीज चैप्टर वाइज तो सभी ने पढ़ा, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक बार मैं आपकी यादें ताजे कर देता हूं, जैसे ही इज एज गुड एज श्याम। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, ही इज बेटर देन श्याम इज। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बताते हैं कि ही इज बेटर देन श्याम, नहीं भाई ये सेंटेंस बहुत रिडिकुलस है, बहुत बेतुका है। आ रही बात समझ में, इट विल पुट यू इन लर्च, ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। पुट समबडी इन लर्च मतलब प्रॉब्लम में डालना, क्यों डाल देगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में आप है ना, पॉजिटिव डिग्री में आप जो दूसरा जो पहलू है उसकी तरफ आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, चल जाएगा। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में आपको जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वहां उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोलू आई एम बेटर देन यू नहीं होता, आई एम बेटर देन यू आर। आ रही बात समझ में, तो ही इज बेटर देन, आ रही बात, या श्याम इज बेटर देन ही नहीं होगा, श्याम इज बेटर देन ही इज। आ रही बात समझ में, या यू आर बेटर देन आई नहीं होगा, यू आर बेटर देन आई एम। तो पॉजिटिव में चल जाएगा, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में आपको दूसरा जो पहलू है उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इधर देखिए, जैसे मैंने बोला कि ही इज एज गुड एज आई, ठीक है ना, या फिर ही इज बेटर देन आई एम और ही इज द बेस्ट। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही भाई, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए फाइन से क्या हुआ, फाइनर, फाइनर से क्या हुआ, द फाइनेस्ट। तो ये क्या बना, सुपरलेटिव डिग्री। एंड द फाइनेस्ट ट्रिब्यूट, बेहतरीन चीज आई इधर देखिए, ट्रिब्यूट। आ रही बात समझ में। अब ये देखिए होता क्या है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे चलते हैं। जैसे मैं बोलू आई पे ट्रिब्यूट टू हीराबेन, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। लेकिन जैसे मैंने बोला द फाइनेस्ट थिंग आई कुड डू इज टू, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, ट्रिब्यूट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। बात वही कहना ये चाह रहा है कि जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने लिखा कि द फाइनेस्ट ट्रिब्यूट। यदि मैं बोलता कि आई कैन पे ट्रिब्यूट टू हीराबेन, ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा सेंटेंस हो गया। लेकिन द फाइनेस्ट ट्रिब्यूट, ठीक है ना, सबसे अच्छा जो श्रद्धांजलि है किसको, माता जी को, ठीक है ना, या वी कैन पे जो हम दे सकते हैं माता जी को, ये बोल रहा वो। तो वहां पे देखिए उसने क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया, थोड़ा सा झोल कर दिया। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। बाकी ये जो ट्रिब्यूट है ये पे से जुड़ेगा साथियों, किस से जुड़ेगा, पे से। इधर देखिए गौर से, यहां पे मैं लिख देता हूं पे ट्रिब्यूट टू पूरा होता है, पे पे ट्रिब्यूट टू, एक होता है आपका पे होमेज। आ रही बात समझ में, पे होमेज टू समबडी। यहां पर देखिए जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई श्रद्धांजलि मरने के बाद ही दी जाती है, नहीं भाई मैं नहीं मानता इस चीज को, ठीक है ना। ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है कहीं जर्नलिस्ट वाली भाषा में कि भाई यदि आप इस गोले पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, यू आर गोइंग टू बी फिलंथ्रोपिस्ट एज विराट कोहली, यू नो इज अ फिलंथ्रोपिक क्रिकेटर, नरेंद्र मोदी इज अ फिलंथ्रोपिक पॉलिटिशियन। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, लोगों के हितों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो यदि आप इस गोले पर हैं और दुनिया के लिए, समाज के लिए आप बेहतरी का काम कर रहे हैं, या लोगों के मानव कल्याण के लिए, लोगों के हितों के लिए, लोगों के जन कल्याण का काम कर रहे हैं, या कोई अच्छा काम कर रहे हैं इस गोले पे, तो आपको है ना श्रद्धांजलि दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि इंसान को मरने के बाद ही श्रद्धांजलि दी जाए, यदि इस गोले पर है और जीते जी वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी आप उसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। जैसे मैं बोलूं आई पे ट्रिब्यूट टू महेंद्र सिंह धोनी, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। थोड़ा सा भाई आप बेम्बुजल नहीं होइएगा, ठीक है ना, नहीं तो आप बोले भाई ये श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप चीजों को क्या सोचते नहीं, उससे पहले उस पर बखेड़ा खड़ा कर देते भाई। प्लीज डू नॉट डिग आउट एट समबडी बिफोर
ठीक है ना, बिफोर मेकिंग आउट एवरीथिंग, आ रही बात, बिना सोचे समझे भाई किसी पर टिप्पणी करना गलत है। तो यहां पर देखिए भाई, मैं बोल रहा हूं कि मेक, जैसे मैंने बोला भाई कि श्रद्धांजलि का मतलब यही नहीं होता कि आप किसी को मरने के बाद श्रद्धांजलि दे। यदि कोई इस गोले पर, इस पृथ्वी पर अच्छा काम कर रहा है, मानव जगत का काम कर रहा है, कल्याण का काम कर रहा है, तो उसे भी आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो देखिए भाई, पे ट्रिब्यूट टू होता है, पे होमेज टू होता है, इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। अच्छा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, लोग ये बोलते हैं कि भाई एट्रीब्यूट क्या होता है। तो इधर देखिए, ये है ट्रिब्यूट, ये क्या है साथियों, इधर देखिए गौर से, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है ट्रिब्यूट, ठीक है ना। अब इधर देखिए, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा भाई, कलर थोड़ा सा दूसरा है, थोड़ा सा मैं अलग लिखने की कोशिश करूंगा। ये होता है एट्रीब्यूट, इसके साथ आता है प्रीपोजिशन टू, इसका भाई होता है एस्क्राइब। क्या होता है भाई? एस्क्राइब, ठीक है ना। इसके साथ भी टू आता है साथियों, ठीक है ना। यदि आपको ऐसा लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एट्रीब्यूट टू एस्क्राइब टू। क्या हो जाएगा साथियों? एट्रीब्यूट टू एस्क्राइब टू, इसका मतलब होता है श्रेय देना। इसका मतलब क्या होता है? श्रेय देना। हालांकि सीओर एक अलग जगह है, लेकिन जैसे जो मेरे, मैं ये मानता हूं कि जो आज का जो स्टूडेंट है, शायद मुझसे एक पीढ़ी बात का स्टूडेंट है, लेकिन जैसे जो जो मेरी पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स है, तो वो कभी, आजकल एक नया सिस्टम आ गया, जैसे कि भाई स्टूडेंट जॉब में पहुंच जाता है तो उससे पूछा जाता है, सो आप किसको अपना आइडियल मानते हैं, आप किससे अपना क्रेडिट, ठीक है ना, होम डू यू वॉन्ट टू गिव योर क्रेडिट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। तो वो बोलेंगे भाई ऐसा कॉलर पकड़ के ना, सेल्फ स्टडी। अब भाई सेल्फ, तुम्हें बालों को कोम्ब करना नहीं आता, तुमने सेल्फ स्टडी कहाँ से कर लिया? चलिए भाई, वो आपका, आप पे डिपेंड करता है, आप बताएं नहीं बताएं, लेकिन हाँ मैं भाई खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि नहीं, मुझे किसी ने बनाया है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? क्योंकि भाई कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ सिखाया, आ रही बात समझ में नहीं आ रही? जब एक देहाती आदमी जाता है, आ रही बात समझ में, सिर पे गेहूं की बोरी रख के, तो भाई उसको, ठीक है ना, कपड़े पहनना, आ रही बात समझ में, बातचीत करना, तहजीब, वो सारी चीज सिखाना, तो भाई कहीं ना कहीं तो सिखाया है ना गुरु ने। लेकिन आपकी दुनिया अलग है, हो सकता है भाई मैं, आई कैन नॉट इम्पोज माई विल ऑन यू, ठीक है ना भाई, आपकी लाइफ। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सेल्फ किया, नहीं भाई, मैंने सीखा मेरे गुरु से और बेहतरीन सिखाया मुझे, मैं इसके लिए, तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं, ठीक है ना, मैं अपनी, अपना श्रेय, आ रही बात समझ में। तो एट्रीब्यूट टू एस्क्राइब टू का मतलब होता है श्रेय देना। क्या होता है? श्रेय देना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स को देता हूँ, तो आई एट्रीब्यूट टू डायरेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल चिपक के नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आप क्या करते हैं? आप ध्यान नहीं रखते भाई। आपने क्रिकेटर को देखा होगा, मुनाफ पटेल, ठीक है ना, आई एम नॉट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गली कंडेमनिंग मुनाफ पटेल, लेकिन लुक एट द फिगर्स, लुक एट द सिनारियो, यू नो, ऑन द अदर हैंड यू कैन हैव अ पुल लुक एट रविंद्र जडेजा, ठीक है ना। तो अभी जैसे मुनाफ पटेल, यू नो, मुनाफ पटेल हैज बीन अ मेंबर ऑफ, यू नो, विनिंग टीम ऑफ 2011 वर्ल्ड कप। तो वहां पे देखिए, जैसे मुनाफ पटेल को हम देखते थे, तो मुनाफ पटेल क्या होते थे, जैसे कि उनके पास बॉल आई, तो भाई वो बंदा, ठीक है ना, ही डिडंट इनवाइट टू प्रॉब्लम, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ही डिडंट इनवाइट टू इंजरी इन हिज क्रिकेट लाइफ, इन हिज क्रिकेट करियर। भाई बॉल देखना, आप सिंपल सा कभी वीडियो देखना या मैच देखना, तो बॉल उधर जा रही, भाई बंदे खड़े हो, बिल्कुल नहीं भाई, नहीं जाना, ठीक है ना भाई, इंजरी को नहीं होता, नहीं देना, ठीक है ना, नॉट टू इनवाइट, ठीक है ना, टू एनी प्रॉब्लम आ रही, एनी इंजरी। तो इधर देखिए भाई गौर से, लेकिन रविंद्र जडेजा को आपने देखा जोंटी रोड्स की तरह, वहां बॉल जा रही, वहां पर लपक गए, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं? आप मुनाफ पटेल बनते हैं भाई, एट्रीब्यूट टू देखा, चिपका दिया, जबकि वो क्या हो गया? गलत। साथ नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम पास करना है तो रविंद्र जडेजा इज, यू नो, वेरी अजाइल, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, ठीक है ना, चाहे मैं क्रिकेट की, चाहे मैदान की बात करूं या मैदान से बाहर की बात करूं। तो गौर से देखिए भाई, एट्रीब्यूट टू बिल्कुल चिपक के नहीं आएगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही? एट्रीब्यूट टू एस्क्राइब टू, एट्रीब्यूट टू एस्क्राइब टू, इसका मतलब होता है श्रेय देना। इसका मतलब क्या होता है? श्रेय देना। एक सेकेंड, हमारे मित्र ने बोला है कि पहुंचाइएगा, भाई बिल्कुल पहुंचाते हैं। ये लीजिए सर, आप देख सकते हैं अब। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखिए, एट्रीब्यूट टू एस्क्राइब टू, इसका मतलब होता है श्रेय देना। इसका मतलब क्या होता है? श्रेय देना। जैसे आपने कहीं से कुछ सीखा,
तो आप बोलते कि नहीं मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर को देता हूं, तो बोल सकते हैं आई एट्रीब्यूट, और चिपका के नहीं लेना है, एट्रीब्यूट टू चिपका के नहीं लेना। अभी बोला भाई एग्जाम पास करना है तो मुनाब पटेल बनना पड़ेगा कि रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा ये, यू शुड बी अजाइल, आ रही बात समझ में, यू शुड बी एक्टिव, यू शुड बी प्रोएक्टिव, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, अदरवाइज यू कैन रन ओवर बाय अदर स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर वेरी शार्प, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो यहां पर देखिए भाई एट्रीब्यूट टू चिपक के नहीं आएगा, गैप होगा, आ रही बात समझ में, किस तरीके से देखिए, सुनने की कोशिश कीजिए, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस, एट्रीब्यूट के बाद आया माई सक्सेस टू माई टीचर्स, आ रही बात समझ में, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई टीचर्स, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, चिपक के नहीं आएगा, पहले ही बोला भाई मुनाब पटेल बनना है कि रविंद्र जडेजा, एग्जाम पास कैसे होगा, मुनाब पटेल बनके कि रविंद्र जडेजा बनके, रविंद्र जडेजा बनके, तो किसकी तरफ भाई, यू शुड बी इन परसूट ऑफ बींग रविंद्र जडेजा, आ रही बात समझ में, रादर देन मुनाब पटेल। तो इधर देखिए भाई एट्रीब्यूट टू हो जाएगा, एस्क्राइब टू हो जाएगा, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, या बोल सकते हैं आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर्स, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर्स, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई टीचर्स, या बोल सकते हैं आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, आ रही बात समझ में। तो एट्रीब्यूट अलग चीज है, ट्रिब्यूट अलग चीज है भैया मेरे, इधर देख लो राखी का बंधन तेरे, इधर देख भाई, एट्रीब्यूट अलग चीज है, ट्रिब्यूट अलग चीज है, अरे एट्रीब्यूट अलग चीज है, ट्रिब्यूट अलग चीज है, एट्रीब्यूट होता है वर्ब और ट्रिब्यूट होता है नाउन, एट्रीब्यूट होता है वर्ब और ट्रिब्यूट होता है नाउन, एट्रीब्यूट के साथ टू आता है, एट्रीब्यूट टू एस्क्राइब टू, श्रेय देना, क्रेडिट देना, आ रही बात समझ में, यहाँ पे ट्रिब्यूट बना नाउन, तो पे ट्रिब्यूट टू, पे होमेज टू, पे ट्रिब्यूट टू, पे होमेज टू, बोले तो क्या, श्रद्धांजलि देना, बोले तो क्या, और ध्यान रखना श्रद्धांजलि ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही दी जाती, यदि इस गोले पर कोई अच्छा काम कर रहा तो उसको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो जैसे मैंने बोला आई पे ट्रिब्यूट टू हीरा बेन, या आई पे होमेज टू हीरा बेन, तो क्या हो जाएगा, श्रद्धांजलि पूरा होगा, पे ट्रिब्यूट टू, पे होमेज टू। देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अब कैसे बनेंगे क्वेश्चन, मान लीजिए इसको वो क्लोज टेस्ट में दे दिया उनने, अब वहां पे लिख दिया भाई इस टाइप पे कि एंड द फाइनेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन खालिस्तान टू हर, चार वर्ब दे दी, मेक दे दिया, एडमिट दे दिया, प्ले दे दिया, पे दे दिया, क्या लगाओगे पे, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं भाई, सीखना पड़ेगा चीजों को, तो पे ट्रिब्यूट टू, पे होमेज टू, बोले तो क्या, श्रद्धांजलि देना, तो समझने की कोशिश कीजिए, एंड द फाइनेस्ट, फाइनेस्ट से पहले यहां पर लगा हुआ है द, क्या लगा हुआ है साथियों, द, ठीक है ना, मैं इसको साफ कर देता हूं भाई, ये दिक्कत होगी, यहां देखिए ऐसे पढ़ाता हूं, द फाइनेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो उसी तरह फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, तो द फाइनेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, तो इधर देखिए एंड द फाइनेस्ट ट्रिब्यूट, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, क्या लिखा, एंड द फाइनेस्ट ट्रिब्यूट, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि, इधर देखिए गौर से, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि, वी कैन पे, जो हम दे सकते हैं, जो हम दे सकते हैं, तो ये जो ट्रिब्यूट है ये जुड़ेगा पे से, किससे जुड़ेगा, पैसे, क्यों, क्योंकि पे ट्रिब्यूट टू पूरा होता है, पे ट्रिब्यूट टू पूरा होता है, और टू आती है उसके साथ प्रीपोजिशन, तो टू लगा है नहीं लगा है साथियों, अरे टू लगा है नहीं लगा है मित्रों, देख लो जरा इधर से, ठीक है ना, तो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो हम दे सकते हैं, ठीक है ना, किसको, पे टू हर, हर मतलब यहाँ हर क्या है, हर यहां पर किसको इंडिकेट कर रहा है, हीरा बेन को, किसको, हीरा बेन को, टू हर उसको, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, टू हर उसको, इज वो है, इज मतलब वो, ये इज है ना, ये इज इसकी वर्ब है, ये इज जो है ना वो फाइनेस्ट ट्रिब्यूट की वर्ब है साथियों, अरे ये इज किसकी वर्ब है, फाइनेस्ट ट्रिब्यूट की, तो वो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो हम दे सकते हैं माता जी को, ठीक है ना, इज वो है, क्या है भाई, बाय, देख लीजिए बाय के बाद आता है जिरंड, बाय के बाद क्या आता है, जिरंड, बाय के तीन मतलब बताए थे मैंने, बाय प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, जैसे मैंने बोला मान लीजिए जैसे मेरा एक फ्रेंड हुए करते थे, ठीक है ना, तो जैसे कि उनके बीच में कुछ हुआ, ठीक है ना, ही हैज फॉलन इन लव विथ अदर चांदनी, ठीक है ना भाई, आफ्टर सम टाइम्स अ लेटर वॉज रिटन बाय चांदनी टू, ठीक है ना, मोहन, आ रही बात समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बाय का मतलब क्या हो गया, के द्वारा एक पत्र लिखा गया मोहन के द्वारा,
ठीक है ना। फिर भाई मोहन की जो शादी है वो फिक्स हुई भाई कब तक? 2000, ठीक है ना, शादी फिक्स हुई। घर वालों ने बोला नहीं भाई अभी तो पटवारी का एग्जाम है, अभी तो बंदे को पटवारी बनाना है, तो 2025 तक क्या कर दिया, शादी को डिले कर दिया। तो मोहन्स मैरिज हैज बीन डिफर्ड बाय 2030। यहाँ पे बाय का मतलब हो गया तक, दिना दिन तक, ठीक है ना। उसके बाद जैसे बोला भाई मोहन शादी कर लिया 2025 में, शादी करके मोटा भाई को भूल गए, तो मोहन ठीक है ना टोटली फॉरगेट्स मोटा भाई, ठीक है ना, बाय गेटिंग मेरिट विथ चांदनी मैडम। आ रही बात समझ में नहीं है? तो बाय का मतलब ऐसा कर कर कैसे भूले भाई, शादी कर कर, आ रही बात? तो बाय के कितने मतलब हो गए? जैसे अभी आप मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता होगा कि टूडेज टेम्परेचर विल डिक्लाइन बाय 2 डिग्री सेल्सियस, आ रही बात समझ में? या सीहोर सीवर सेट 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो बाय का एक मतलब क्या होता है भाई? तक, धिनाधिन तक, क्या होता है? एक बाय का मतलब के द्वारा और एक बाय के बाद जिरण ऐसा कर कर, तो यहाँ पे जिरण है तो क्या होगा, ऐसा कर कर। तो इधर देखिए भाई बाय डूइंग, वो सबसे अच्छी चीज क्या है, बाय डूइंग व्हाट सी ऑलवेज वांटेड अस, वो चीज कर कर भाई जो हमेशा वो हमसे चाहती थी, वो चीज कर कर, क्या चीज कर कर भाई, वो चीज कर कर जो वो हमेशा हमसे चाहती थी। इधर देख लीजिए ऑलवेज वांटेड, वांटेड बना सेकेंड फॉर्म, टू डू वो चीज करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, द राइट थिंग, द राइट वे, आ रही बात? तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये निकला कि माताजी को श्रद्धांजलि, आ रही बात, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि, ये बोल रहा वो कि जो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है ना माताजी को देने के लिए, वो ये है कि वो चीज करना, वो सही रास्ता अपनाना, वो सही चीज करना जो हमेशा वो हमसे चाहती थी करने के लिए या करवाने के लिए। क्या बोल रहा कि सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो हम माताजी को दे सकते हैं वो है, ठीक है ना, उस चीज को करना, उन चीजों को करना या उस रास्ते पर चलना जो हमेशा वो हमसे चाहती थी उस रास्ते पर चलने के लिए या उन चीजों को करने के लिए। ये इस सेंटेंस का मतलब है। इधर देखिए देट वॉज लिखा, देट वॉज प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, प्रोबेबली देखिए एलवाई क्या बन जाएगा, एडवर्ब, क्या बन जाएगा साथियों, एडवर्ब, ठीक है ना, देट वॉज प्रोबेबली वाई द प्राइम मिनिस्टर, क्या लिखा साथियों, वाई द, क्यों प्राइम मिनिस्टर। इधर देखिए बेहतरीन चीज आया ग्रामर, आफ्टर, अंग्रेजी में टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन आती है साथियों उसके बाद क्या आता है, जिरंड, क्या आता है, अंग्रेजी में टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन आती है, टू के बाद भी जिरंड आता है, लेकिन अभी नहीं बता सकता भाई, अभी इतना समय नहीं है, वो ठीक है ना, थोड़ा बेफलिंग फैक्ट है, उसको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए प्रायोरिटी ये आपके लिए कि टू को छोड़कर जितनी भी प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या आता है साथियों, जिरंड आता है। तो इधर देखिए आफ्टर परफॉर्मिंग हर लास्ट, ये देखिए राइट्स, क्या लिखा, राइट्स लिखा, एक होता है आर आई जी एच टी राइट, वो अधिकार हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस राइट का मतलब है भाई, ठीक है ना, जैसे मैं बोल सकता हूँ धार्मिक रीति रिवाज या धार्मिक संस्कार, इस राइट का मतलब है धार्मिक रीति रिवाज या धार्मिक संस्कार। तो क्या करने के भाई बात, आफ्टर परफॉर्मिंग हर लास्ट राइट्स, जो अपने जो आखिरी धार्मिक संस्कार, अपने जो रीति रिवाज उनको पूरा करने के बाद, एंड फुलफिलिंग हिज धर्म, और अपने धर्म को पूरा करने के बाद, एज अ सन, एस के तीन मतलब होते हैं, एक एस का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसा कि एस सुने जाए ओपन द अम्ब्रेला, आ रही बात, जैसे ही छाता खोला बारिश, और इस टाइप से पढ़ा हुआ एस सुने जैसे, एक एस का मतलब होता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि, क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आई हेल्प हिम एस ही इज माई ब्रदर, मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो मेरा भाई है, एस का एक मतलब क्योंकि भी होता है, और एक एस का मतलब होता है इसके तौर पर, इसके नाते या इसकी हैसियत से, जैसे बोलते हैं ना एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रोडस्टर, आ रही बात समझ में? तो एस के तीन मतलब, यहाँ पे एस का मतलब इसके तौर पर या इसके नाते। तो इधर देखिए एज किधर गया, किधर, एज अ सन, एक 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 बेटे होने के नाते इमीजिएटली तुरंत भाई रिटर्न्ड टू हिज ड्यूटीज, आ रही बात, अपनी ड्यूटीज पे लौट गए, अपने काम पे लौट गए। पता होगा आपको वंदे मातरम ट्रेन का अनवेल किया उन्होंने, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही, और आप होते तो भाई तेरे, ठीक है ना, कम से कम 4 दिन तो घर पे पड़े रहते, आ रही बात समझ में? नहीं भाई, बहुत क्षति हुआ है, और भाई इससे, इनसे सीखो आप, मोदी जी से तो कुछ तो सीखो, यू शुड लर्न फ्रॉम भाई दिस पर्सनालिटी। और आप होते तो रोना गाना गाते, नहीं 4 दिन अभी तो, आ रही बात समझ में भाई? अभी घर का मामला, अभी नहीं जा सकता। तो भाई हमेशा किसको प्रेफरेंस दो, हार्डवर्क को प्रेफरेंस दो, ड्यूटी को प्रेफरेंस दो, जो आपको जो काम सौंपा गया उसको बड़ी ईमानदारी से कीजिए आप। तो इधर देखिए भाई, तो ये क्या है, बहुत मोटिवेशनल चीज है कि यार बंदे की मां गई है
और आप देख लीजिए भाई मोदी जी की माँ और वहां से लगभग एक घंटे बाद, ठीक है ना, मेरे ख्याल से मैं भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी यू नो हैज बिकम मम्मी पम्मी यू नो, या यदि मेरे ख्याल से यही इंसिडेंट राहुल जी के साथ होता, आ रही बात इमेजिन कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, तो भाई मेरे ख्याल से राहुल जी के साथ होता तो मोदी जी वहां पर अजाइल होते, बहुत एक्टिव होते, वो क्या करते भाई तुरंत फ्लाइट बुक करते, फ्लाइट करते और वहां जाते भाई, जैसे ही फनरल चलता तो बोल देते भाई रुक जाइए, भाई रुक जाइए, ठीक है ना। वैचारिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत भी, ह्यूमेन भी कोई चीज होती है। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे होमेज टू माता जी, ठीक है ना, और हम सभी आपके साथ है भाई, इस दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ है, भगवान इस दुख के क्षणों में आपको, ठीक है ना, एक शक्ति प्रदान करे, इस जो बोलते हैं ना, जैसे बड़े बड़े, जैसे आपने सुना होगा अलग अलग टाइप के वर्ड बोलते हैं, इस वज्रघात को सहन करने के लिए, जो दुख की घड़ी का जो संकट है उसको सहन करने, तो इस टाइप से, तो मेरे ख्याल से यही राहुल जी को करना था वहां पे। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता यदि मोदी जी होते तो डेफिनेटली ऐसा करते, तो वहां ये कर सकते थे, तो हो सकता था मोदी जी की पर्सनालिटी वहां थोड़ी सी फीकी पड़ जाती, राहुल जी छा जाते, ठीक है ना। ये चीज छोटी छोटी चीज होती है जो बहुत मैटर करती है, ऐसा नहीं कि मैं एनालिसिस कर रहा हूं या मुझे राजनीति करना है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता था यदि वो कर सकते, तो बाकी भाई मेरा काम पढ़ाने का है, लेकिन ये चीज भी हो सकती थी। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे लम्हों को लूटा जाता है, लेकिन आ रही बात समझ में, उसकी बजाय, ठीक है ना, वो टेक अ डिगेट करने लगे भाई कि मोदी जी ने सूतक में ट्रेन का अनवेल कर दिया, ये चीज कर दी, वो चीज कर दी, तो उससे आप और उल्टे घिर गए, आपको जो चीज करनी थी वो आप नहीं कर पाए, ठीक है ना, आपकी मर्जी भाई। तो इधर देखिए यहाँ पे, तो ड्यूटीज पे लग गए, वो किस पे लग गए भाई, ड्यूटीज पे लग गए। तो इधर देखिए हिज डिसीजन, आ रही बात ड्यूटीज के बाद, डिसीजन यहाँ पे हुआ नाउन, देख लीजिए जिस वर्ड के आखिरी में TION SION MENT आता है वो क्या होता है, नाउन। तो डिसाइड होता है वर्ब, डिसाइड का नाउन होता है डिसीजन, क्या होता है डिसीजन। तो इधर देखिए हिज डिसीजन टू डू सो माइट, ठीक है ना, उसका जो फैसला, टू डू मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनेटिव, क्या हो गया साथियों, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोले तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे इन्फिनेटिव बोले तो क्या हो गया साथियों, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। वर्षा रघुवंशी, जसपाल, जय हिंद सर, निकिता गौर, जय हिंद सर, कन्हैया बोरिया, गुड इवनिंग सर, ठीक है ना, अरविंद मेवाड़ा, ठीक है ना, हेमंत वर्मा, अरविंद मेवाड़ा, प्रदीप चंद्रवंशी, ग्रेट सर, धन्यवाद भाई, ठीक है ना भाई, ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, चीयर करते रहिए। प्रदीप चंद्रवंशी, ग्रेट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, भाई सब कुछ आपसे ही संभव है, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हेमंत वर्मा जी, अरविंद मेवाड़ा जी, योगेश चंद्रवंशी जी, योगेश चंद्रवंशी एडजेक्टिव, भाई ऑफलाइन क्लास में अच्छे से बताएंगे, आपको अभी समय नहीं है, ठीक है ना, धन्यवाद भाई जुड़ने के लिए, ठीक है ना, और बने रहिए आखिरी तक, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा डिलीवर करने के लिए। तो इधर देखिए भाई, उसका जो फैसला था ऐसी चीज करने का, ठीक है ना, माइट है, देखिए मॉडल वर्ब होता है मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शेयर, शुड, मस्ट, इनके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब हम इनका पास्ट बनाते हैं ना तो ये बन जाता है उसका, ठीक है ना, जब हैव लगा देते हैं ना तो ये बन जाता है पास्ट, जैसे मे का पास्ट मे हैव, माइट हैव, कैन हैव, कुड हैव, विल हैव, वुड हैव, तो माइट का पास्ट बना माइट हैव। तो ये जो फैसला था ना टू डू इन्फिनेटिव ये करने का, सो माइट हैव सरप्राइज्ड मेनी, शायद इसने कई लोगों को हक्का पक्का कर दिया, क्या कर दिया भाई, सरप्राइज्ड मतलब हो जाएगा शॉक्ड हो जाएगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, इधर देखिए सरप्राइज्ड हो जाएगा, अस्टोनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना, अमेज्ड हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, बैम्बुजल्ड हो जाएगा, बेफल्ड हो जाएगा, नॉनप्लस्ड हो जाएगा, आई थिंक फ्लेवरगास्टेड हो जाएगा, आई थिंक कोर्ट ऑफ द बैलेंस हो जाएगा, थ्रोन ऑफ द बैलेंस हो जाएगा, इतनी सारी चीजें यदि आप लूट सकते तो लूट लीजिए भाई, जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख भी देता। तो क्या हो जाएगा भाई, शायद उसने कई लोगों को, जो उनका फैसला था ये करने का, उसने कई लोगों को क्या किया भाई, सरप्राइज कर दिया, क्या कर दिया भाई, सरप्राइज कर दिया, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो इधर देखिए, बट दिस वॉज, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, आज संत क्वाइट, इधर देखिए बेहतरीन चीज आई, तीन चीज सिखाता हूं भाई, इधर देखिए ये होता है क्विट, किस किसने नहीं देखा KBC, कौन बनेगा करोड़पति, आ रही बात अमिताभ बच्चन नहीं बोलते हैं, डू यू वॉन्ट टू क्विट हेयर, क्या आप यहीं पे सेशन को छोड़ना चाहते हैं, क्विट का मतलब क्या हो गया, छोड़ देना, गिवअप कर देना। उसके बाद आता है ये वाला, अरे कभी 1-to-1 किया है किसी से, हेलो हाउ आर यू, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, तो नहीं बोलते, आई एम क्वाइट वेल थैंक यू, ये वो वाला क्वाइट है। और उसके बाद आता है ये, कभी स्कूल में दीदी ने आपको अंग्रेजी पढ़ाया होगा,
ठीक है ना, दीदी बोलती कुछ और है, ठीक है ना, ऐसा नहीं आप में वो चीज नहीं कर रहा भाई। जैसे दीदी ने बोला होगा आपको स्कूल में, ठीक है ना, प्लीज, ठीक है ना, डोंट मेक, ठीक है ना, ठीक है ना, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, आई थिंक यू शुड हैव टू यू नो मेंटेन ट्रांकुलिटी इन द क्लास एंड प्लीज कीप क्वाइट। वो क्वाइट नहीं होता, वो बोलना क्वाइट चाहते हैं, ऐसा नहीं मैं यहाँ पे पॉइंट होल्ड कर रहा हूँ, आ रही भाई है मेरी टेंडेंसी, लेकिन वो होता क्वाइट है, ठीक है ना, वो क्वाइट नहीं होता, वो चलता है उस समय, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम भी उतने मिच्योर नहीं होते, तो वो उनका कहने का मतलब कीप क्वाइट होता है, लेकिन वो जब तेजी में होता है ना तो निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, तो वो कीप क्वाइट बोलती है जबकि वो होता क्वाइट है, ठीक है ना, क्वाइट मतलब होता शांत, बिल्कुल चुप, क्वाइट का डिग्री हो जाएगा क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट बोलते हैं ना, दिस इज द क्वाइटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ, सबसे शांत जगह है दुनिया की। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे क्विट, इसको बोलेंगे क्वाइट, और इसको बोलेंगे क्वाइट, क्या बोलेंगे भाई, क्विट, इसको बोलेंगे क्विट, इसको बोलेंगे क्वाइट, और इसको बोलेंगे क्वाइट, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, तो ये देखिए, बट दिस वॉज अ सेंस क्वाइट, मतलब एक शांत, एंड 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 डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब भाई क्या, मतलब एक अच्छा गौरवशाली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक गौरवशाली तरीका, आ रही बात समझ में, ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑफ के बाद आता है जिरंड, इधर देख लीजिए भाई, चीन की दीवार आ गई, इधर देख लीजिए, ऑफ के बाद क्या आ गया भाई, जिरंड, क्या आ गया, जिरंड, तो एक्सप्रेस का जिरंड क्या हो गया साथियों, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस मतलब होता है कोई चीज बयां करना, जताना, जाहिर करना, आ रही बात, जैसे आपने एक 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 माहौल चल रहा है वो स्पोकन का, आ रही बात समझ में, स्पोकन में मुझे एक बात बताओ भाई, स्पोकन में लिखने का क्या काम है, मुझे एक बात तो बता दो आप, लोग स्पोकन में आ जाते हैं नोटबुक लेके, ऐसे स्पोकन का मतलब तो बोलना होता है, विराट कोहली अंग्रेजी बोलता है क्या, नोटबुक दबा के जाता है कैसे, तो स्पोकन का मतलब लिखना नहीं होता भाई, स्पोकन का मतलब बोलना, तो उसमें जैसे वो स्पोकन में एक एक्टिविटी होती है डेली रूटीन, तो जैसे बच्चा आता है स्टेज पे, आ रही बात समझ में, डाइस पे, तो बोलता है ठीक है ना, गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज, आ रही बात समझ में, राहुल जो भी, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू लिसन टू मी, ठीक है ना, आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माय डेली रूटीन, तो एक्सप्रेस मतलब होता है बताना, जाहिर करना, जताना, तो ऑफ के बाद क्या आ गया, जिरन, ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, क्या प्यार जताने का, एंड रेस्पेक्ट, सम्मान जताने का, फॉर हिज मदर, अपनी माता जी के लिए, ये पैराग्राफ ये बोल रहा है, तो वो ये बोल रहा है, पूरा उसका सार ये है कि जो जब हम हमारी माता जी को खोते हैं ना, तो सबसे ज्यादा दुख उसी वक्त होता है, और सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो हम हीराबेन हमारी माता जी को दे सकते हैं, वो चीज है, वो चीज करें हम, जो वो हमेशा हमसे चाहती है, वो चीज करें हम, जो वो हमेशा चाहती है कि सबसे अच्छा रास्ता चुने, सबसे अच्छा काम करे, आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा है वो, कि हमें सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब हमारी माता जी को खोलते हैं, और सबसे अच्छी श्रद्धांजलि जो हम उनको दे सकते हैं, वो चीज करकर, जो वो हमेशा हमसे चाहती है कि सही रास्ता चुनो, सही काम करो, आ रही बात, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो, और जो सबसे शायद जो, और वही चीज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना, अपने जो पूरे, मतलब जो उनका जो जो अंतिम संस्कार, ठीक है ना, अपना जो पूरे धार्मिक रीति रिवाज थे, धार्मिक संस्कारों से, और धर्म के तौर पर जो संस्कार, जो ठीक है ना, अंतिम संस्कार करने के बाद, ठीक है ना, वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए, यही मोदी जी ने दिखाया, ठीक है ना, और ये जो फैसला था उनका, शायद इसने कई लोगों को हक्का बक्का भी किया कि वाह क्या तो बंदा है यार, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, इधर माँ है और उधर वंदे मातरम को झंडी दिखा दी, तो भाई गजब है भाई, अनबिलीवेबल, हेड्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी, तो इधर देखिए, बट दिस वॉज अ सन्स क्वाइट, ठीक है ना, ये एक एक मतलब एक ऐसे बेटे का भाई, जो एक एक शांत और जैसे गौरवशाली बोल सकते तरीका, एक प्यार जताने का, एक सम्मान देने का अपनी माता जी को, ये बोला है भाई, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, इधर देखिए, ये हो गया भाई, यहाँ पे लिखा देयर इज, क्या लिखा साथियों, देयर इज, तो देयर इज का मतलब होता है भाई, देयर इज अ गाइडिंग फोर्स, ये मैंने पढ़ाया है भाई, गाइडिंग फोर्स, ठीक है ना, जैसे एक वो होता है भाई, जैसे एक थोड़ा बहुत याद आ रहा बीच बीच में भाई, मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि जिंदगी में क्या भाई, जिंदगी में मंजिल सभी को मिले ये तो संभव नहीं है, जिंदगी में मंजिल सभी को मिले ये तो संभव नहीं है, जिंदगी ए राह ए सफर है, जिंदगी ए राह ए सफर है, तुम्हें यहाँ चलते रहना है, तुम्हें यहाँ चलते रहना है, और इस परिवर्तन वाली दुनिया में तुम्हें चिरागों जैसे जलते रहना है, तुम्हें इस परिवर्तन वाली दुनिया में चिरागों जैसे जलते रहना है,
और लोगों के अंधेरे का उजाला बनते रहना है, लोगों के अंधेरे का उजाला बनते रहना है। वाह वाह इरशाद, इधर देखिए भाई, थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता भाई। तो इधर देखिए, गाइडिंग फोर्स हो गया, गाइडिंग फोर्स का मतलब हो गया भाई गाइडिंग लाइट। क्या हो गया भाई? गाइडिंग लाइट। तो इधर देखिए, गाइडिंग लाइट का मतलब हो जाएगा, अच्छा जी ये कर्सिव वाला मैटर हो जाएगा। चलिए इधर देखिए भाई, इधर देखिए गाइडिंग लाइट हो गया, ठीक है ना। तो अक्सर मैं देर कर देता हूं, अक्सर मैं देरी कर देता हूं, अक्सर मैं देर हो जाता हूं। आ रही बात समझ में? क्या? अक्सर मैं देर कर देता हूं, जरूरी बात कहना हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, अक्सर मैं देर कर देता हूं, हमेशा मैं देर कर देता हूं। वाह वाह इरशाद, इधर देखिए भाई, गाइडिंग लाइट। तो गाइडिंग लाइट का मतलब हो जाएगा भाई गाइडिंग फोर्स। क्या हो जाएगा भाई? गाइडिंग फोर्स। तो गाइडिंग फोर्स का मतलब होता है, ठीक है ना, एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, ठीक है ना, दूसरों के लिए भाई क्या होना, एक प्रेरणा स्रोत होना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ गाइडिंग फोर्स इन आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगी। देखिए लाइफ का प्लूरल होगा लाइफ्स। क्या होगा साथियों? अरे लाइफ का प्लूरल क्लास 7 से ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी बचा हुआ एडिटोरियल और थोड़ा देरी से शुरू हुआ, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, मैं जल्दी जल्दी करूंगा कुछ चीजें, ठीक है ना। तो लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स। क्या होता है साथियों? लाइव्स, ठीक है ना। इन आर लाइव्स एंड इट फाइंड्स रिफ्लेक्शन, और इसको रिफ्लेक्शन मिला इन व्हाट वी डू, जो हम करते हैं। ये बेहतरीन चीज आया। इधर देखिए, टेक अ लुक एट, बहुत सारी चीज होती है। इधर देखिए, लुक एट का मतलब यही नहीं होता कि देखना, ठीक है ना। टेक अ लुक एट, हैव अ लुक एट, ठीक है ना। उसके बाद भाई एक होता है टेक अ पुल लुक एट। क्या होता है भाई? टेक अ पुल लुक एट। इन ये तीनों एक एक फ्रेज टाइप यूज होते हैं। इनका मतलब होता है कंसीडर करना, विचार विमर्श करना। क्या होता है साथियों? कंसीडर करना, विचार विमर्श करना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही भाई? क्या होता है? कंसीडर करना या विचार विमर्श करना, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए भाई, If we take a look at, यदि हम consider करें विचार, यहाँ पे देखना नहीं है भाई। जैसे बोलते हैं ना, you should look at your career, you should look at your study, you should look at your health. तो यहाँ पे देखिए, if we take a look at मोदी जी's life, यदि हम मोदी जी की जिंदगी पर विचार विमर्श करें, consider करें और analyze, विश्लेषण करें his decision, देखिए उसके decisions का, as prime minister, प्रधानमंत्री होने के नाते या उसके तौर पर we will find, हमें ये पता चलेगा कि जो कमिटमेंट है। इधर देखिए, ment क्या हो गया? नाउन। कमिट होता है वर्ब, कमिट का नाउन हो गया कमिटमेंट। आ रही बात की? दैट कमिटमेंट, जो उसका कमिटमेंट के साथ टू आता है, कमिट टू, ठीक है ना। कमिट, इधर देखिए भाई, कमिट, कमिट होता है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है एडजेक्टिव, कमिटेड हो जाएगा आपका कमिट वर्ब, कमिटेड एडजेक्टिव। आ रही बात समझ में? और कमिटमेंट हो जाएगा नाउन। कमिटेड टू स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस बोले तो टू के बाद जिरन। जैसे मैंने बोला, आई एम कमिटेड टू परसुइंग माय करियर इन द रियल्म ऑफ बैंकिंग। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो भाई, वी विल फाइंड दैट कमिटमेंट टू ड्यूटी, जो कमिटमेंट है ड्यूटी का, हैज ऑलवेज बीन, वो हमेशा रहा। आ रही बात? हिज फॉरमोस्ट, बेहतरीन चीज आया फॉरमोस्ट। इधर देख लीजिए भाई थोड़ा सा, फॉरमोस्ट मतलब आप नोट करते चलना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। बाकी इसका पीडीएफ आप यहाँ से, ठीक है ना, इस यहाँ की जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, उससे आप वहां पर जाकर, ठीक है ना, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं पहले, वहां से डाउनलोड करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फॉरमोस्ट का मतलब हो जाएगा क्रूशल। क्या हो जाएगा साथियों? क्रूशल हो जाएगा। की हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इधर देखिए, वाइटल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? वाइटल हो जाएगा साथियों। पिवोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिवोटल हो जाएगा। कोर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा किंगपिन। क्या हो जाएगा साथियों? किंगपिन। आ रही बात समझ में? इन सब का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है भाई? इधर देखिए, क्या हो जाएगा? फॉरमोस्ट मतलब क्रूशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूशल हो जाएगा। की हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पिवोटल हो जाएगा, वाइटल हो जाएगा, ठीक है ना, कोर हो जाएगा, किंगपिन हो जाएगा, बोले तो क्या? महत्वपूर्ण। आप चाहें तो इसका स्टेट वो ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट। तो यहां पर देखिए भाई,
हिज फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी प्राथमिकता रीनेमिंग। देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। जब भी कोई सा सेंटेंस वर्ब से चालू होगा तो वो जिरंड से होता है। किससे होता है? नेम वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। जो तुम ठीक है ना गणेशाय नमः करके लिखते हो ना नेम, वो नाउन होता है ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला आई नेम्ड यू छगन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम हो गया वर्ब, मैंने आपको छगन नाम दिया, तो नेम वर्ब भी होता है नाउन भी होता है। रीनेमिंग राजपथ मतलब क्या भाई, दोबारा से नाम देना राजपथ को एज कर्तव्य पथ के तौर पर। हैज डीप सिग्निफिकेंस, जिसका अपना गहरा महत्व। डीप मतलब डीप होता है एडजेक्टिव ठीक है ना, और सिग्निफिकेंस हो गया नाउन। अब इधर देखिए नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो डीप हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव और सिग्निफिकेंस हो गया नाउन, गहरा महत्व। आ रही बात समझ में? डीप सिग्निफिकेंस, गहरा महत्व। इट वॉज एन एक्सोर्टेशन, एक्सोर्टेशन का मतलब होता है भाई एनकरेजमेंट। क्या होता है भाई? एनकरेजमेंट, मोटिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मोटिवेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्या हो जाएगा? एनकरेजमेंट हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा, प्रोत्साहन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो इट वॉज एक्सोर्टेशन से पहले ये देख लीजिए, सीओर की फेवरेट डिश आ गया आर्टिकल। क्या आ गया? तो इट वॉज एन एक्सोर्टेशन टू द सिटीजन्स, उन नागरिकों के लिए। टू डू वापस क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया, करने के लिए अपनी ड्यूटी। टू द नेशन, राष्ट्र के लिए। एक पाथ मोदी जी हैज फॉलोड, ऐसा रास्ता जिसको मोदी जी ने चुना या उसको फॉलो किया। तो इसका पूरे का मतलब यह है कि जो एक एक मतलब एक इंस्पिरेशन होना, एक प्रेरणा स्रोत होना भाई ठीक है ना, हमारी जिंदगियों में लाइफ का प्लूरल लाइफ होता है। एक इंसान की जिंदगी लाइफ होगी, जैसे मेरी जिंदगी लाइफ है, लेकिन आप सभी की जिंदगी क्या है? लाइफ। बहुत सारे लोग लाइफ का प्लूरल लाइफ बना देते हैं। नहीं भाई, लाइफ का प्लूरल लाइफ होगा तो मतलब एक गाइडिंग फोर्स है हम सबकी जिंदगियों में। एंड इट फाइंड द रिफ्लेक्शन, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? इन वॉट वी डू, जो हम करते हैं। इफ यू टेक अ लुक एट मोदी जी लाइफ और एनालाइज, यदि हम विश्लेषण करें उसके फैसलों का, जो उसके डिसीजन जो उसने प्रधानमंत्री के तौर पर लिए, तो हमें हमेशा यही मिलेगा कि यार उसका जो कमिटमेंट है ना ड्यूटी के लिए, वो सबसे पहले राय, उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी रही है। और दोबारा से नाम देना साथियों राजपथ को कर्तव्य पथ के, वो उसका उसका गहरा गहरा महत्व है। और ये पूरी तरह से एक प्रेरणा स्रोत है, प्रोत्साहन है उन सभी नागरिकों के लिए ठीक है ना, अपनी ड्यूटी करने के लिए राष्ट्र के लिए, जो मोदी जी ने उस रास्ते को चुना, उस पाथ को चुना, ये इसका बोल रहा है। चलिए जी भाई, मकर संक्रांति पास आ रही है ठीक है ना, तो वो सिनारियो देखे जाएंगे जब बच्चे अपने बैग में ठीक है ना चड्डा पैक करके और पीछे चिलगाड़ी बनाएंगे और नीचे लिखेंगे भाई आई एम गोइंग टू होम ठीक है ना। पहले तो ये देखिए भाई आई एम गोइंग टू होम नहीं होता। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो भाई क्यों उसकी रेड मार रहे हो, क्यों इंग्लिश की रेड मार रहे हो भाई? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इधर देखिए भाई, तो आई एम गोइंग होम होता, आई एम गोइंग टू होम नहीं होता। मैंने पढ़ाया आपको भाई, आई एम गोइंग टू होम नहीं होता, ये स्टार्टलिंग फैक्ट है, आई एम गोइंग होम होता है। अब रीजन बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो भाई फिर वो चिलगाड़ी बना दिया, नीचे एक स्टेटअप नहीं, अंग्रेजी नहीं आ रही, फिर भी उसकी माँ बहन कर दी अंग्रेजी की। तो भाई वो नहीं करना है, मत लिखो, हिंदी में लिख दो ना, कि आज घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जरूरी है क्या इंग्लिश में लिखना? फिर चीलगाड़ी और बना देंगे आप भाई, मोटा भाई जाएंगे तो फिर वहां पे नाके पे से हाथ देंगे भाई ठीक है ना, लिफ्ट प्लीज। क्यों भाई वो चीलगाड़ी किधर गई, किधर उड़ गई वो चीलगाड़ी? आ रही बात समझ में? चीलगाड़ी नहीं आ रही बात समझ? तो भाई चलता है, ये उम्र ही ऐसी है जब यहाँ पर ये सारी चीजें चलती। बढ़िया भाई, लाइफ चलते रहिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इधर देखिए, इन द प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक लाइफ ठीक है ना, पर एक चीज आज तक समझ में नहीं आई, ये तो महिलाओं का त्योहार है, ये भाई लोग क्यों जाते हैं आज 8 दिन पहले चले जाते हैं, फिर ज्ञान पे लेंगे वहां चौराहे पे भाई, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन सपने में इंग्लिश। सारी बात समझ में नहीं आ रही भाई, पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, इस बार नहीं अगली बार संक्रांति सेलिब्रेट कर लीजिए ठीक है ना। तो भाई द प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक लाइफ विस क्लियरली सी, जो हम साफ तौर से देखते हैं कि जो वैल्यूज है ना, ही होल्ड्स, जो उसके पास है, ही होल्ड्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस बना। क्या बना भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस बना। तो वो पब्लिक लाइफ, वो वैल्यूज, जो मूल्य ठीक है ना, ही होल्ड्स, उसके पास है, डियर वर पार्ट ऑफ हिज अपब्रिंगिंग, वो हिस्सा थे किसके? इधर देखिए, अपब्रिंगिंग का मतलब हो जाएगा आपका ठीक है ना नर्चर। क्या हो जाएगा भाई? नरिशमेंट। क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोलूं ब्रिंग अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ब्रिंग अप हो जाएगा, रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रेज हो जाएगा। बोले तो पालन पोषण या परवरिश, पालन पोषण या परवरिश। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इधर देखिए भाई, नर्चर भी हो जाएगा। नर्चर मतलब भी होता है तैयार करना। अरे नर्चर मतलब भी क्या होता है साथियों? तैयार करना।
तो अपब्रिंगिंग मतलब ब्रिंगअप हो जाएगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, रेज हो जाएगा, नर्चर हो जाएगा, पालन पोषण बोल सकते हैं, परवरिश बोल सकते हैं, या इसको अपब्रिंगिंग को एक और बोलते हैं एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं साथियों, एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। तो वो जो वैल्यूज है ना वो क्या थे भाई, वो हिस्सा थे किसके किसके किसके, उसकी अपब्रिंगिंग के, उसकी परवरिश के, उसके पालन पोषण के, या उसके एक्सपीरियंस के, इन हिज ब्लॉग, ब्लॉग जो लिखते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो उसके ब्लॉग में भाई ठीक है ना, रिटर्न जो लिखा गया टू मार्क, बेहतरीन चीज आया टू मार्क, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, पहले तो ये क्या बना इन्फिनेटिव। और इधर देखिए मार्क का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, मार्क का मतलब क्या, ये क्लोज टेस्ट में मिल सकता है, मान लीजिए ये क्लोज टेस्ट में आया तो वो यहां से देगा इन हिज ब्लॉग रिटर्न टू खालिस्तान द बिगिनिंग, चार ऑप्शन दे देगा, वो आ रही बात समझ में नहीं आ रही, टेक दे देगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, उसके बाद वो प्ले दे देगा, हेव दे देगा, मेक दे देगा, तो किसके साथ जाएंगे, मेक के साथ। तो इधर देखिए टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 100th ईयर ऑफ हीराबेन्स लाइफ, सोवे क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, शुरुआत किसकी, सोवे साल की हीराबेन की जिंदगी के, अपोस्ट्रोफी एस मतलब काया की, हीराबेन की जिंदगी के, ठीक है ना, जो ठीक है ना, द प्राइम मिनिस्टर हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बना पास्ट परफेक्ट टेंस, साथियों कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड मेंशनड, उसने हवाला दिया, मेंशन का मतलब होता है हवाला देना, मेंशन का मतलब क्या होता है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, ये ब्रिंग अप का एक मतलब मेंशन करना भी होता है, क्या होता है भाई, मेंशन करना, जैसे ही ब्रॉट अप मेनी कोर इश्यूज, आ रही बात, ब्रिंग अप का एक मतलब पालन पोषण करना भी होता है, पालना भी होता है, एक मेंशन करना भी होता है, तो मेंशन का अल्टरनेटिव ब्रिंग अप हो जाएगा। हेड मेंशनड, उसने हवाला दिया, क्या भाई, मिनिस्टर हेड मेंशनड, उसने हवाला दिया था That his mother always inspired him, कि उसकी मदर ने उसको हमेशा इंस्पायर किया टू स्टे, यहां पर देखिए स्टे हुआ वर्ब रिजोल्यूट, टू के बाद स्टे क्या बना इन्फिनेटिव, क्या बना साथियों इन्फिनेटिव, रिजोल्यूट का मतलब हो जाएगा डिटर्मिंड, क्या हो जाएगा साथियों डिटर्मिंड हो जाएगा, आ रही बात पक्का होना, या एक एक आ रही बात समझ में नहीं आ रही, टू स्टे रिजोल्यूट एंड वर्क फॉर द पुअर, गरीबों के लिए काम करने के लिए। तो बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक लाइफ जो हम साफ तौर से देखते हैं कि जो मूल्य उसके पास है वो उसकी परवरिश के हिस्सा है, उसके एक्सपीरियंस के हिस्सा है, और उस ब्लॉक में उसने लिखा कि जो आ रही बात समझ में, ये लिखा गया कि सेलिब्रेट करने के लिए माता जी का जो 100वां साल है ठीक है ना हीराबेन की जिंदगी का, प्राइम मिनिस्टर ने ये हवाला दिया कि भाई जो मदर है ना उसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, प्रेरित किया ठीक है ना, एक दृढ़ संकल्प बनने के लिए, पक्का होने के लिए, और काम करने के लिए गरीबों के लिए, फॉर द पुअर, पुअर में कभी हेस नहीं आता, तो ये इसका मतलब है। चलिए भाई ठंड पड़ रही है अलग से ठीक है ना, वो और नहीं सोने दे रहे भाई, सुबह सुबह क्या आ जाते हैं वो मोहल्ले में भूत प्रेत, आ रही बात समझ में, क्या होता है भूत प्रेत, आ रही दूध ब्रेड, आ रही बात, उसको वो बोलते हैं भूत प्रेत, भाई कौन सा भूत प्रेत है साला। इधर देखिए भाई ही रोट राइट की सेकेंड फॉर्म क्या बना रोट, क्या बना भाई रोट बना, ही रोट, आ रही बात समझ में। एक और देखिए भाई, चांदनी ने कहा चांद से, चांदनी ने कहा चांद से, क्यों हो उदास आज आप, क्यों हो उदास आप, चांद ने चांदनी से कहा, चांद ने चांदनी से कहा, मैं हूं उदास आज क्योंकि नहीं है कोई साथ खास आज, वाह 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 इरशाद। इधर देखिए भाई ही रोट राइट की सेकेंड फॉर्म क्या बनी भाई रोट, ही रोट उसने लिखा इन माई मदर्स लाइफ स्टोरी, मेरी मदर की जो लाइफ स्टोरी है ठीक है ना, नो भाई नो, बी रोमांटिक नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, ये सीन बहुत खतरनाक है। इन माई मदर्स लाइफ स्टोरी, मेरी मदर की जो लाइफ स्टोरी में, आई सी द पिनांस, पिनांस का मतलब हो जाएगा तपस्या, क्या हो जाएगा साथियों तपस्या हो जाएगा, आ रही बात समझ में, त्याग हो जाएगा ठीक है ना, पश्चाताप हो जाएगा, सेक्रीफाइस मतलब हो जाएगा बलिदान, क्या हो जाएगा त्याग हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस, त्याग हो जाएगा, बलिदान हो जाएगा, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान हो जाएगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ऑफ काय का भारत, ऑफ इंडिया भारत की मातृशक्ति का, फार बियॉन्ड एवरी टेल ऑफ डेप्रीवेशन। इधर देखिए डिप्राइव होता है वर्ब, ये बेहतरीन चीज है भाई ठीक है ना, मैंने अपनी कोचिंग के गेट पर भी लगा रखा है, डेमो क्लासेस डिप्राइव यू ऑफ द बेस्ट, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित कर देना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, और एजुकेशन में डेमो यूज होता नहीं है, मैंने पहले ही बताया है ठीक है ना। आप फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, कोई चीज आप लेने गए तो वो बोलेगा कि कैन यू हैव डेमो प्लीज, या आई कैन हैव डेमो प्लीज इफ यू आर विलिंग ठीक है ना, तो वो लगा के देता है भाई देखिए, हैव अ लुक एट दिस डेमो, सो इज एवरीथिंग ओके, नाउ यू कैन पे
आ रही बात समझ में? तो डेमो का मतलब कोई चीज चला के दिखाना, एजुकेशन को कोई पहिए थोड़ी ना, तो उसको चला के दिखाओगे तुम, एजुकेशन में डेमो यूज नहीं होता। तो इधर देखिए भाई, यहाँ पे तो फार बियॉन्ड एवरी, मैंने तो नहीं देखे एजुकेशन में पहिए भाई, आपने देखे होंगे तो हो सकता है, बाकी डेमो की कोई कहानी नहीं होती। तो डेमो डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज से वंचित कर देना। तो फार बियॉन्ड इन सबके अलावा एवरी टेल, टेल मतलब होता कहानी, टेल मतलब क्या होता है भाई कहानी, तो जो हर कहानी है वो डेप्रिवेशन बोले तो वंचित होने की भाई, इज द ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब शानदार, ग्लोरियस मतलब क्या, इज द ग्लोरियस स्टोरी ऑफ अ मदर, क्या है भाई एक मदर की, फार अबव, आ रही बात समझ में, इस फार अबव मतलब फार अबव फ्रेज होता है भाई इन सबके अलावा या इन सबसे ऊपर, ठीक है ना। फार अबव एवरी स्ट्रगल, हर स्ट्रगल संघर्ष, इज द स्ट्रॉन्ग रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब हो जाएगा संकल्प, एक रिजोल्व वर्ब होता है, यहाँ पे रिजोल्व नाउन है, रिजोल्व वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, रिजोल्व का मतलब होता है हल करना, क्या होता है साथियों हल करना, जैसे आई वॉन्ट टू रिजोल्व दिस डिस्प्यूट, आई वॉन्ट टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू रिजोल्व दिस मैटर, ठीक है ना। रिजोल्व मतलब हो जाएगा आपका फिक्स करना, सोल्व करना, एड्रेस करना, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, कोप विथ करना, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे रिजोल्व और नाउन होगा तो उसका मतलब होगा संकल्प, इज द स्ट्रॉन्ग रिजोल्व ऑफ अ मदर, ये एक 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 बोल सकते हैं मजबूत संकल्प, एक दृढ़ संकल्प किसका, हमारी माता जी का। तो उन्होंने लिखा कि जो हमारी मदर की जिंदगी की जो कहानी है ना, उसमें मैंने देखा पश्चाताप देखा, त्याग देखा, बलिदान देखा, योगदान देखा भारत की मातृशक्ति का, और इन सबके अलावा जो कहानी है भाई डेप्रिवेशन की, वो शानदार कहानी है मेरे मदर की, और इन सबके ऊपर जो संघर्ष और जो जो दृढ़ संकल्प है एक मदर का, वो तो देखने ही लायक है भाई। इसके आगे भी कोई चीज है क्या भाई? खत्म हो गया भाई पैसे, धन्यवाद भाई आपने साथ दिया तो मैं कर पाया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं उसमें सीखने की, बहुत सारे लोग जुड़े भी भाई चैट पे, तो अभी कोई नहीं दिख रहा भाई चैट रेट, आ रही बात समय पे, व्यूज हो गए 176, धन्यवाद भाई आप जुड़े। सुनील गौर काका, जय भोलेनाथ, जय हिंद भाई, जय हिंद। रोहन परमार, प्रमोद बोस, जय हिंद भाई। सीवी कटारिया, धन्यवाद भाई, और सभी का धन्यवाद भाई, यदि मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो ठीक है ना, जो जिनको बोला वो उनका भी धन्यवाद भाई, जिनको नहीं बोल पाया उनका भी धन्यवाद भाई, अब बोल ही दिया तो कोनू दिक्कत है, ठीक है ना, आपने साथ दिया। तो यहाँ पे भाई ये पैसे जैसा ही नहीं कि इंग्लिश ही सीखना, इससे ये भी सीखना है कि भाई देखिए भाई माता जी का संस्कार, माता जी का ठीक है ना, पास अवे हो गई उसके बाद फिर काम पे लग गए भाई, तो ऐसे ही आपको बनना है, ऐसे ही आपको लाइफ में इनकलकेट करना है चीजों को, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहना है, ठीक है ना, प्रोबिटी से चीजों को करना है भाई, तो आपको भी गोल मिलेगा, नहीं तो जिंदगी में गोल नहीं मिलेगा तो भाई लात पड़ती रहेगी, और गोल मिल गया तो सब कुछ खत्म, मेसी बन जाओ, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, एक ही दिन में फेम कमा लो पूरा। तो भाई धन्यवाद आपने साथ दिया, चलिए जी मिलते हैं मंडे को, ठीक है ना, कल भी हो सकता है क्लास हो, 100% कोशिश तो यही रहेगी कि कल भी क्लास हो, आ रही बात समझ में, कल भी आपको इंग्लिश मिलेगी चाहे वो कैसी मिले, चलिए जी धन्यवाद।